हेलो एवरीवन, रामरतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 14 तारीख से लेकर 18 अप्रैल तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, ठीक है दोस्तों। और जो कि हम 40 प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, नदी के अंदर भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है। तो दोस्तों, वो की गई है कोलकाता में शुरू, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्वतंत्र वीर गौरव दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 28 मई को, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है। तो ये दोस्तों जीता है अंतिम पंघाल ने, ठीक है, अंतिम पंघाल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC कैटेगरी का दर्जा दिया है। तो दोस्तों, वो दिया है मध्य प्रदेश राज्य ने, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है। तो ये दोस्तों जीता है शाकिब अल हसन ने, ठीक है, शाकिब अल हसन ने ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे आपराधिक देशों की, यहाँ पर दोस्तों अधिक नहीं है, ये आपराधिक है, ठीक है, आपराधिक, विश्व की सबसे आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो वो दोस्तों है 77वां स्थान, ठीक है। भारत जो है वो आपराधिक देशों में 77वें स्थान पर है, ठीक है। प्रथम स्थान पर है दोस्तों वेनेजुएला, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा समूह के पूर्व अध्यक्ष केशव महिंद्रा का निधन हो गया है, वे किस समूह के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, वो थे हुडकू के संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक है, केशव महिंद्रा जी। अगला है, किस देश के परमाणु भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है। तो वो दोस्तों की है जापान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पार्किंसंस दिवस 2023 की थीम क्या है। तो दोस्तों, इसकी थीम है टेक 6 फॉर पीडी, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों हुआ है मध्य प्रदेश राज्य की जो गोंड पेंटिंग है उसको दोस्तों GI टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये दोस्तों बने हैं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह, क्या बने हैं, त्रिपुरा के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है। तो वो दोस्तों क्या है, उज्बेकिस्तान ने आमंत्रित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांस सिस्टम से कौन से दो भारतीय शहर जुड़ेंगे। तो दोस्तों, वो जुड़ेगा दिल्ली और मेरठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ZSI द्वारा 2023 में, ZSI दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो ZSI द्वारा 2023 में किस राज्य में एक नई प्रजाति ओमोलॉप्स सिजू की खोज की गई है। तो दोस्तों, ये की गई है मेघालय में। ओमोलॉप्स सिजू जो है दोस्तों, ये एक मेंढक है जिसको नाम दे दिया गया है ओमोलॉप्स सिजू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 14 अप्रैल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई है जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की है। तो वो दोस्तों शुरू की है युगांडा में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने तुलसी घाट बहाली परियोजना स्टार्ट की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है। तो जफरुल्ला चौधरी जी जो है वो बांग्लादेश के थे, ठीक है, बांग्लादेश के रहने वाले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा। तो ये दोस्तों खुलेगा बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में SCO के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरा बावकर का निधन हुआ है, वह कौन थी। तो उत्तरा बावकर कौन थी, तो वो थी अभिनेत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में अमेरिका और किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो वो दोस्तों क्या है, फिलीपींस और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारत ने किस देश को
10,000 टन गेहूं भेजने के लिए WPF के साथ समझौता किया है। तो ये दोस्तों क्या है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, भारत ने अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में UAE ने किस देश का $1 अरब वित्तीय सहायता की पुष्टि की है। तो ये दोस्तों की है पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये मनाया गया है 15 अप्रैल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है। तो दोस्तों ये की है नासा ने, ठीक है, नासा ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये दोस्तों क्या है, मोजाम्बिक में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नई रेलवे परियोजनाओं सहित मेथेनॉल संयंत्र शुरुआत की है, ठीक है, मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है। तो दोस्तों वो की है असम में। क्वेश्चन नंबर 31 है, हमारा हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 अप्रैल को, ठीक है, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है गुवाहाटी में, जो कि असम में है। तो एम्स कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है गुवाहाटी, असम में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है कुमार मंगलम बिड़ला जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, G20 की मुख्यमंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रमुख की मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है। तो ये की गई है वाशिंगटन DC में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर प्रोब को किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किस देश में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ये दोस्तों दी है घाना में, ठीक है, घाना में मंजूरी दे दी गई है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है। तो ये बनी है नंदिनी गुप्ता, ठीक है, नंदिनी गुप्ता बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बिहू प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है असम राज्य ने, ठीक है, बिहू नृत्य जो है वो असम का ही है। तो बिहू प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसने, असम राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो दोस्तों ये जीते हैं भारत ने 14 मेडल। तो ये तो रहे दोस्तों 14 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।